Hey guys, this time I have a three specific niches for you on Instagram. Yes guys, मैं तीन niches के साथ आया हूँ जो बहुत ही ज़्यादा powerful हैं, बहुत ही ज़्यादा working हैं on Instagram. अगर exactly आप इन niches का सही से use करते हो, तो आप बहुत सारा पैसा बना पाओगे Instagram में आने वाले future में. Let's go. So my name is T and you are watching Toyed Ahmed YouTube channel. अगर channel को subscribe नहीं किया तो make sure subscribe करके bell icon जरूर press करो. और आज हम बात करने वाले तीन niches के बारे में, तीन top niches के बारे में जो Instagram पे इस समय boom पे हैं और future में भी boom पे होने वाले हैं, because future उसी तरफ जा रहा है जिस तरफ ये niches जा रही है. अगर आपको पता नहीं है niche क्या होती है, तो मैं सबसे पहले बता दूं. Niche मतलब एक subject, एक category, like cloth एक niche है, cooking एक niche है, एंड टेक एक नीच है. तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो नीच है, मतलब एक सब कैटेगरी, कैटेगरी ऐसे जितनी भी चीजें हैं वो अलग अलग नीच होती हैं, राइट. तो आज मैं आपको वो टॉप थ्री नीच बताना चाहता हूँ. बट उससे पहले एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या आप कौन सी नीच पे इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हो और शायद वो नीच यूनिक हो, तो प्लीज कमेंट करके नीचे बताओ ताकि मैं और उसके बारे में पता करूं, और वो अगर बेनिफिशियल हो तो मैं लोगों तक वो वीडियो, वो नीश पहुंचा पाऊं ताकि लोग उससे पैसे कमा पाए, बिकॉज हमारी ड्यूटी है कि हम लोगों की हेल्प करें. तो मेक श्योर आप नीचे कमेंट करके जरूर बताओ कि आप कौन से नीश पे काम कर रहे हो. तो गाइस सबसे पहला जो है वो ये है. तो गाइस जो सबसे पहला है वो है गर्ल्स प्रोडक्ट. गाइस देखो, इंस्टाग्राम पे जो है वो चीज की मैं बात करूंगा. इंस्टाग्राम पे आप जाओ, सर्च मारो, सबसे ज्यादा वहां पर आपको एक्टिव दिखेंगी लड़कियां, और सबसे ज्यादा जो लड़के हैं वो उनको ही फॉलो करते हैं. अब आपको वाय बहुत अच्छे से पता है, लेकिन मैं यहाँ पर वो सारी चीजों के ऊपर बात नहीं करने वाला हूँ. मैं बात करने वाला हूँ बिजनेस के ऊपर. गाइज मेकअप की जो ट्यूटोरियल्स है उसका व्यू, उसके स्टैटिक्स देखो, आप किस मतलब किस लेवल पे हैं, वो अलग ही लेवल पे हैं. मेकअप के सामान बहुत ज़्यादा मात्रा में बिकते हैं इंस्टाग्राम पे. आप देख सकते हो जाके, अलग अलग जो एनालिटिक्स के वो सॉफ्टवेयर्स आते हैं उनसे आपको पता चल जाएगा. प्लस मैंने रिसेंटली इसके ऊपर आर्टिकल पढ़ा था एक ब्लॉग पे, कि उस बंदे ने सिर्फ मेकअप का, आई थिंक वो बंदी थी जिसने सिर्फ मेकअप का सामान बेच के 7 figure अर्निंग की है. 7 figure मतलब आप समझ रहे हो $1 million इन 1 year. तो इतना ज्यादा स्कोप है मेकअप के, कॉस्मेटिक सामान का. तो अगर आप एक गर्ल्स हो और बॉय भी हो तो चलता है, आप इसका एफिलिएट कर सकते हो. और देखो, एफिलिएट करने का एक तरीका होता है इंस्टाग्राम पे, आप फोटोज बहुत अच्छी डालो लेकिन उसका डिस्क्रिप्शन भी बहुत अच्छा लिखो, तभी आपकी चीजें सेल होंगी. और एक अच्छी अथॉरिटी क्रिएट करो और एक ही नीश पे काम करो. नेक्स्ट गाइस गैजेट्स. गैजेट्स बहुत ज्यादा बूम पे है इस समय, क्योंकि आप समझ रहे हो कि आगे AI है और बहुत सारी ऐसी चीजें आने वाली है. AI मतलब कि रोबोटिक्स और ऐसे ऑटोमेशन पे चीजें जाने वाली है. जैसे आपको पता है तो गाइज अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो न्यू हर दिन न्यू आती है. तो लोगों का जो इंटरेस्ट है गैजेट बेसिस पे वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है. जैसे कि आपको पता है टैक ये टैक वो मतलब टैक चल रहा है. वैसे आप इंस्टाग्राम पे जब जाओगे, ढूंढोगे चीजों को, तो आपको भी टैक बहुत ज्यादा मिलेगा. तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर मोबाइल रीसेलिंग या किसी गैजेट का बहुत अच्छा खासा पेज बना सकते हो, वॉचेस का, डिजिटल वॉचेस का. और आपका नए नए जो मोबाइल आते हैं वही चीज जो यूट्यूब पे चल रहा है उसको उठा के इंस्टाग्राम पे लेके आओ और वहां पर अपने एफिलिएट लिंक का यूज करो. और बता रहा हूँ मैं, ये ट्रेंड बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है, आप सही समय पे देखोगे. क्या मैं इस पे एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊं, अगर आप चाहते हो तो प्लीज कमेंट करके बताओ मुझे, तो मैं इस पे एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा. नेक्स्ट गाइस जो बहुत ही बड़ी बीमारी भी है और एक बहुत ही ज्यादा बड़ा अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन बोल सकता हूँ, वो भी इंस्टाग्राम पे मौजूद है, उसको बोलते हैं वेट लॉस. गाइस वेट क्यों बढ़ रहा है लोगों का, आपको पता है इसके पीछे रीजन ये है कि हमारी लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो चुकी है, बहुत ज्यादा भागा दौड़ी चल रही है लाइफ में. तो इससे क्या हो रहा है, लोगों का मोटापा बढ़ रहा है, और मोटापा बढ़ रहा है मतलब एक इंडस्ट्री जो बहुत तेजी से ग्रो हो रही है उसको बोलते हैं वेट लॉस. और मोरल ऑफ द स्टोरी, हेल्थ इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो हो रही है. 2017 से देखा जा रहा है कि इसका लेवल बढ़ता ही जा रहा है दिन पे दिन, और भी बढ़ेगा बिकॉज गैजेट्स बढ़ रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ रहा है.
और इसके साथ आपका हेल्थ इश्यू बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आप अगर आप हेल्थ के नीश में नहीं हो तो क्या कर रहे हो यार। हर एक बंदा, मैं जहाँ तक जानता हूँ, जो भी फील्ड में आया हुआ है, एक ना एक बार हेल्थ का जरूर ट्राई किया होगा। तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप चाहते हो कि इंस्टाग्राम पे सेल करना, इंस्टाग्राम से अर्निंग करना, तो इस नीश को जरूर जरूर से एक बार ट्राई करो। क्या पता आपके लिए चल जाए, जरूरी नहीं है सबके लिए चलता है, लेकिन अगर आपके लिए चल जाए तो मैं बताऊँ कि हेल्थ इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इंस्टाग्राम पे आप जिस पेज पे, जिस सर्च पे देखोगे, वहाँ आपको एक ऐसी पोस्ट जरूर दिखेगी जो हेल्थ से रिलेटेड है, जो फिटनेस से रिलेटेड है। तो मेक श्योर कि अगर आप चाहते हो इंस्टाग्राम पे एक बिजनेस, तो इस नीश को एक बार जरूर ट्राई करो। तो ये थी टॉप 3 नीश, मेक श्योर इनको ट्राई करो। और अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ, ताकि उस पर भी एक वीडियो बनाओ, एक स्पेसिफिक वीडियो बनाओ, लोगों को नॉलेज हो और उनके लिए कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर पाए हम सब मिलकर। तो इस वीडियो में इतना, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, जय हिंद।